था गाड़ी रोकने का ऐसे। अरे तुम हमको हमारा अधिकार मत सिखाओ, ये हमारा अधिकार है। अगर आपके पास अधिकार है तो कार को रोकिए, बाइक को नहीं। आपको बाइक रोकने का अधिकार नहीं है। अगर बाइक को रोकना है तो अभी बाइक लेकर आइए, अभी कार लेकर मत आइए। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, पुलिस वाला से ऐसे बात करेगा? अरे कद्दूपुर में आप लोग तमाशा बना दिए पैसा हटने के लिए, ये सब नहीं चलेगा। अगर कद्दूपुर का पब्लिक भड़क गया ना, मार मार के लाल कर देगा आपको। अरे एक तो गलती करते हो, ऊपर से जवान लड़ाते हो। क्या गलती की है? हम दोनों भाई हैं, बाइक पर जा रहे हैं घूमने के लिए, इसमें गलती क्या है? क्या अपराध है हम लोग का? हम भी कानून जानते हैं, हम जज साहब का बेटा है। अरे किस जज का बेटा है तुम? हर इंसान के घर में एक जज होता है, जो भी इंसान उस घर में गलती करता है वो जज उसको सजा देता है, जिसे हम पिताजी कहते हैं। आपके भी पिताजी तो होंगे ना, खजूर से तो नहीं टपके होंगे, आपको भी सजा तो दिए होंगे कभी, बैद से पिछवाड़ा लाल तो किए होंगे आपका, उसी को हम जज मानते हैं। हम अपना बाबूजी का बात कर रहे हैं। अरे एक तो गलती करते हो, ऊपर से मजाक करते हो पुलिस वाला के साथ। अरे ये कहाँ का नियम है कि गलती करने के बाद कोई मजाक नहीं कर सकता है? हम गलती करने से पहले भी मजाक करते हैं, गलती करने के बाद भी मजाक करते हैं। जिंदगी देखिए एक मजाक है, जैसे अभी आप लोग भी मजाक कर रहे हैं। मास्क कहाँ है? कोरोना अलग मजाक कर रहा है, साला जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आ गया पता नहीं कहाँ चला गया, छुप के बैठ गया। हमेशा थोड़ा थोड़ा दिन में बाहर निकलता है और शरीर में घुल जाता है, आदमी को मार देता है, आदमी का जिंदगी भी मजाक बनाकर रख दिया है कोरोना। अरे जब पता है कोरोना इतना फैल गया है तो मास्क काहे नहीं लगाते हो? अरे ये लॉकडाउन में सिर्फ कोरोना नहीं फैला है, जितना कद्दूपुर का कार्टून है सबको घर में खा खा के फैल गया है। अरे चुप करके रहो, तुम्हारा चालान कटेगा, बकवास कर रहे हो पुलिस वाला के सामने। अरे कैसे काट लीजिएगा हम लोग का चालान, कैसे काट लीजिएगा, हम लोग का क्या गलती है? अरे मास्क काहे नहीं लगाए हो, इतना अनाउंस करवा रहे हैं कि मास्क लगा के निकलिए घर से बाहर, काहे नहीं लगा रहे हो मास्क? अरे हम लोग का पॉकेट में है ना मास्क, हम लोग किसी से बात करेंगे तो मास्क लगा लेंगे। हाँ तो अभी हम रोके तुम लोग को तो मास्क लगा के काहे नहीं हम लोग से बात कर रहे हो, काहे नहीं कर रहे हो? अरे तो आप हम लोग को मास्क निकालने का समय दीजिएगा तब ना निकालेंगे। तब से तो बकबक कर रहे हैं जब से गाड़ी रोके है, एक तो बेमतलब दूसरे का गाड़ी रोक लेते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हैं हम लोग का, बताइए। अरे चुप रहो, तमाशा बना के रखे हो। कद्दूपुर का सरकार इतना समझा रहा है मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा ही नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ तो कद्दूपुर का सरकार कितना समझा रहा है, रिश्वत नहीं लीजिए, रिश्वत नहीं लीजिए, लेकिन रिश्वत लेना आप लोग छोड़े हैं। अरे हम रिश्वत नहीं लेते हैं, आपका हिम्मत कैसे हुआ हमारे ऊपर आरोप लगाने का? अरे आप हम लोग को रोक सकते हैं, हम लोग आरोप नहीं लगा सकते हैं। सब समझते हैं साहब, चालान तो एक बहाना है, असल में माल कमाना है। अरे ये बेटा बहुत बोलता है, मारेंगे डंटा से ना रे, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के। अरे वीडियो कौन सी बनाते हैं, हिम्मत है तो डाल कर दिखाइए नेट पर, कद्दूपुर वाला लोग भी देखे कि कोई मर्द है जो पुलिस से बात कर रहा, डरता नहीं किसी का बाप से भी। अरे ये दोनों बहुत बकवास करता है, ले चलो इस लोग को थाना। अरे छू के दिखाइए हम लोग को, देखे। हाँ हाँ छू के दिखाइए। अरे तुम लोग को छुएगा कौन, उठा के ले चलो रे दोनों को पागल को। हाँ तो भैया बताइए आपको कैसा लग रहा है? देखिए जब से थाना में आए हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन कल तो आप बहुत मर्द बन रहे थे बाहर में, आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ इंटरनेट पे। देखिए उस वक्त हमको अंदर से शक्ति आया था कि हम मर्द हैं, अभी पता चला कि मर्द को भी दर्द होता है पिटाई खाने के बाद। अब समझ में आ गया कि बिना वजह का मर्द नहीं बनना चाहिए कहीं भी, जरूरत हो तो बनना चाहिए, अन्यथा बहुत नुकसान उठाना पड़ता है जीवन में। तो कल काहे बहस कर रहे थे हमसे, काहे बहस कर रहे थे, मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए बताओ? हाँ हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए, एक की जगह चार मास्क लगाना चाहिए अगर जरूरत हो तो। वो तो मास्क लगाने वाले थे, वो क्या हुआ ना कि पापा जी हमको बोले थे कि बेटा ऐसे मास्क मत लगाना, जब कोई पुलिस वाला को देख लो दूर से तो मास्क लगा लेना। तो देखिए हम अचानक में इतना तेज में गाड़ी चलाए ना, हमको ये दिखा ही नहीं तो मास्क नहीं लगा पाए। तो हम सोचे कि इनके सामने बहादुरी दिखाते हैं, थोड़ा ऐड कर दिखाएंगे, थोड़ा हड़का देंगे तो ये लोग डर जाएंगे तो हमारा चालान नहीं कटेगा, हमको कुछ नहीं होगा और हमारा वीडियो भी वायरल हो जाएगा, कद्दूपुर में सुपर स्टार बन जाएंगे। लेकिन हमको क्या मालूम था, हमारा बेइज्जती हो जाएगा, सब जगह अपमान होगा, हम पे लोग हंसेगा। देखिए पहला पार्ट में तो हम हीरो बन गए, दूसरा पार्ट हमको नहीं मालूम था ना कि हमने सच, ये सब भी होगा। बहुत दुख है हमको अपना गलती पर, मास्क लगाना चाहिए, आप लोग भी लगाइए, ऐसा गलती मत कीजिए। देखिए पता चल गया हमको कुंफू सीख क्या ना तुम, हमारे सामने कुंफू मत दिखाना नहीं तो तुम्हारा मुंडी काट के फुटबॉल खेलेंगे। सुनो रे कान खोल कर टकला नेता, पहले सिर्फ हमारा जबान चलता था,
अब हमारा जबान के साथ हाथ पैर भी चलता है और अच्छा अच्छा का बुखार छुड़ा देते हैं हम। और पहले हमारा सिर्फ जबान में ताकत था, अब हमारा शरीर में भी ताकत है, फौल आदि शरीर बनाया है हम अपना। हमको आता है चुंगी और अपना दुश्मन को देते हैं चुम्मी। तुमको भी ज्यादा खुजली हो ना तो आ जाना, देंगे एक तो बड़ा चुम्मी। बेसी कुंफू सीखे गए, हिम्मत बताओ बीवी फाइट में। ए टकला, हम जो ये कुंफू सीखे है ना मर्द से लड़ने के लिए सीखे, मर्द से। तुम्हारा बीवी से लड़ने के लिए नहीं सीखे हैं। अपना कन्या को उतारा मैदान में, अपना मोगी को रखो पीछे और सामने आओ हमरे। मर्द है तो सारा मर्दानगी तुम्हारा उतार देंगे मैदान में। और तुम देहाती को देहाती ही रहेगा, हमारा बीवी नहीं लड़ेगा ये फाइट। ये फाइट का नाम है बीवी फाइट। दम है तो आ जाना और हमारा पैर को हरा के दिखाना, देखते है तुम्हारा बाजू में कितना दम है। और हाँ, पैसा है ना, बिना पैसा का फाइट नहीं होता है। कौन स्पॉन्सर करेगा करिया तुमको? हम तुम्हारी तरह बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे बहुत आदमी है और हमको पहले से ही एक कंपनी स्पॉन्सर कर चुकी है। पता है कौन सा कंपनी है वो? नाम भी सुने हो कभी तुम? हाँ टकला ने तो कल कद्दू को नॉक्स में मेरी ऐप स्पॉन्सर किया है। सुना भी है कभी इस ऐप का नाम? पता भी है इस ऐप का क्या खासियत है? कि जबरदस्त फाइट होगी। हमारे पहले प्लेयर है मच्छर कुमार, जो की है मच्छरपुर से। जैसे मच्छर लोगों का खून चूस लेते हैं, वैसे ये मच्छर कुमार अपने सामने वाले खिलाड़ियों का खून चूस लेते हैं। और दूसरे प्लेयर है कुश्तीपुर से पहलवान उर्फ गुज्जर। और तीसरे प्लेयर है कद्दूपुर से काला कद्दू मींस ब्लैक पंपकिन। और चौथे पहलवान है जोरदार खूंखार रंगदार, जिनके सामने दुनिया के सभी पहलवानों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, जो कि आए हैं विदेश से, जिनका नाम है अंडरवियर मींस कच्छा। हाँ तो मच्छर कुमार उर्फ लुक्का, आपका पहला मैच होने जा रहा है अंडरवियर से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए गोरी मैडम, हम तो बस यही कहना चाहेंगे अंडरवियर से कि हमारा नाम है लुक्का, उसको भारी पड़ेगा हमारा मुक्का। ओह माय गॉड, मैच शुरू होने से पहले मच्छर कुमार के अंदर बहुत जोश दिखाई दे रहा है। हाँ तो अंडरवियर जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? I will break each and every bone of मच्छर कुमार। अरे ये लगता है अंडरवियर पगला गया है, बोलता है हड्डी तोड़ेगा। जब मच्छर के अंदर कोई हड्डी नहीं होता है तो तोड़ेगा कैसे इस ससुर का नाती। दोनों ही तरफ जोरदार आग लगी हुई है, तो देखते हैं रिंग में सबसे पहले किसकी आग बुझती है। हाँ तो गुज्जर जी, आप काला कद्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे उससे पहले हम तुमको कुछ कहना चाहेंगे। मैच खत्म होते ही हम तुमको लेके जाएंगे और तुमसे शादी मनाएंगे, क्योंकि हम है डाकू, दिखाएंगे तुमको चाकू। और रहा बात इस करिया बच्चा का, तो इससे तुम्हारा पुराना दुश्मनी है। इसका हम आग निकाल के अपना बंदूक में लगाएंगे, और इसका दिमाग भी बहुत चलता है ना, इसका दिमाग निकाल के अपना भाई का जन्मदिन में केक के तरह काटेंगे और उसको खिलाएंगे। ओह माय गॉड, आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई मैच नहीं खून खराबा होने वाला है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? काला कद्दू जी की आंखें इतनी लाल हो गई हैं। जहाँ सभी पहलवानों ने अपनी बातों का तीर चलाया, वहाँ पर काला कद्दू ने अपनी निगाहों से ही सबको ढेर कर दिया। Now you are dead. अरे ये पगला डर गया लगता है, हमको अपना पिताजी बोल रहा है। बोलता है यू आर डेड, बेटा अभी गेम तो स्टार्ट होने दो, तुमको हमें अपना माई भी नजर आएगा। What a crazy man, he can't understand what I am saying to him. अंडरवियर के पहले ही वार ने मच्छर कुमार का सारा खून निकाल दिया। मच्छर कुमार तो उड़ गए, अंडरवियर बहुत गुस्से में है, ऐसा लग रहा है इनको हड़ा पाना नामुमकिन है।
आज की हमारी दूसरी फाइट होने वाली है काला कद्दू वर्सेस गुज्जर। तेरे करिया तुमको ये गुज्जर क्या चीज है? अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। ओह माय गॉड, मैच स्टार्ट होते ही काला कद्दू का ये जबरदस्त केक गुज्जर पर और गुज्जर वहीं ठेस। ऐसा लग रहा है कि काला कद्दू और अंडरवियर के बीच में आज बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। अरे काला कद्दू, देखो ना हमारा फाइटर आज बताएगा तुमको रिंग में। देखते हैं क्या कुंग फू सीख के आया है तुम। देखा ना क्या हाल किया ये मच्छर कुमार का। ये है हमारा फाइटर अंडरवियर। आई विल डिस्ट्रॉय यू। अरे अंडरवियर, हम नहीं पहने हैं आज अपना कच्चा। तुम ही को पहन लेंगे ना और अपना नाइट्रोजन छोड़ दिए तो बीच में से फट जाओगे। ए टकला, अगर तुम है मर्द का बच्चा और अगर हम हरा दिए अंडरवियर को तो तुम मूछ मुंडवा कर लिपस्टिक लगाकर नंगा नाचेगा सबके सामने, मुजरा करेगा तुम। है हिम्मत तो लगा बैठ। हाँ है हिम्मत, लेकर रखना अपने लिए लिपस्टिक, काहे कि तुम ही को मुजरा करने का जरूरत पड़ेगा आज। वो तो जब हम हारेंगे तब ना, हार हमारा ब्लड में नहीं है ब्लडी फूल। तरफ है 7 फुट लंबे अंडरवियर जी और दूसरी तरफ है मैच 5 फुट लंबे काला कद्दू जी। अब देखते हैं मैच कौन जीतता आज। ओह माय गॉड, अंडरवियर जी तो बहुत ही भारी पड़ रहे हैं काला कद्दू जी पे। जहां अंडरवियर जी वार कर रहे हैं वहीं काला कद्दू जी बचते हुए नजर आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये नजर आ रहे हैं। गॉड, ये काला कद्दू जी का एक केक और अंडरवियर जी हो गए ढेर। अब देखना ये है कि अंडरवियर जी मैच कंटिन्यू रख पाते हैं कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टाइम अप। विश्वास नहीं हो रहा है मैच 5 फुट के इस बच्चे ने 7 फुट के लंबे चौड़े पहलवान को एक किक में ही ढेर कर दिया। जिनके सामने दुनिया के सारे बड़े से बड़े पहलवानों ने घुटने टेक दिए थे, वहीं एक 5 फुट के बच्चे ने 2 मिनट के अंदर 7 फुट के लंबे पहलवान को धूल चटा दी।
तो आज के बीवी फाइट के विजेता है काला कद्दू जी। कद्दू जी हमारे साथ क्यों है ना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं।